खबर अशोकनगर से है। अक्सर अपने बयानों से चर्चाओं में रहने वाली भोपाल की भाजपा सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने अशोकनगर में कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री और पीसीसी चीफ कमलनाथ पर विवादित बयान दे डाला। हिंदुत्व की बात करते हुए प्रज्ञा ठाकुर ने कमलनाथ को हिदायत दे डाली कि अपनी माँ से पूछ लो, वो बता देंगी कि आप हिंदू हो या नहीं। साथ ही उन्होंने हिंदुत्व के मामले में देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को भी आड़े हाथों लेते हुए कहा कि नेहरू जी ने खुद कहा था कि वे एक एक्सीडेंटली हिंदू हैं। साथ ही उन्होंने कांग्रेस पार्टी को भी जमकर घेरा। मैं ये कहती हूँ, ये वही कांग्रेस है जिसके मुख्य जो पहले प्रधान थे जवाहरलाल नेहरू जी, उन्होंने कहा था कि मैं एक्सीडेंटली हिंदू हूँ। तो कांग्रेस का ये इतिहास रहा है कि उन्होंने कभी भी अपने को हिंदू स्वीकार किया ही नहीं, माना ही नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी तो होगी, इसलिए वो एक्सीडेंटल हिंदू थे। और इतने 75-76 वर्षों बाद ये मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी कह रहे हैं कि मैं हिंदू हूँ, तो मैं कहती हूँ कि अभी तक क्या थे, अरे पता कर लेते, जन्मजात आप क्या है माँ से पता कर लेते, परंतु इतने वर्षों बाद पता चला, इसका अर्थ कहीं ना कहीं आज भी आपकी नियत में खोट है। जब हिंदुत्व जाग गया है, हमारे पूरे हिंदू ये समझने लगे कि हम भी गौरवान्वित होकर के अपने मोदी जी सरकार में जी सकते हैं, स्वाभिमान के साथ जी सकते हैं, और हिंदू अब अपने को खड़ा कर लिया है, तब इनको मजबूर होना पड़ा है कि अब हम भी अब हिंदू बन जाए, नहीं तो इनका कहीं ठौर ठिकाना नहीं है, इसलिए उन्होंने ये स्वीकार किया है और मजबूरी में किया है।